जी, गुड इवनिंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की कौन नई शानदार वीडियो में। तो भाई आज हमको, आप देख रहे होंगे कि हम ब्लॉग शुरू करते ही तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली में हम कहीं जा रहे हैं और सारा सब काम हो गया तब हमने ब्लॉग शूट करना शुरू किया है। पूरा सामान वगैरह भी हमने गाड़ी में रख दिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं। और इधर ये देखो, कैटल वगैरह भी रख रहे हैं, प्रेस भी रख रहे हैं और इस लड़की को भी लेके जा रहे हैं ना। तो भाई अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं और हमको जल्दी जल्दी निकलना है। तो फटाफट तैयार हो जाते हैं, कपड़े उपड़े यही पहन के जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कपड़े पहन लेंगे वैसे तो प्रॉब्लम होगी, तो गाड़ी में ही बैठ के जाना है, इसलिए नॉर्मली यह पहन के यही पहन के जा रहे हैं। फटाफट तैयार हो गए हैं, बस कंघी करना है, बिंदी लगाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं आगे आपको ब्लॉग में हम बताएंगे। अभी फिलहाल हम जल्दी जल्दी सारी पैकिंग तैयारी कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, आगे आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो गए हैं और हम यही नॉर्मली कपड़े पहन के जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी में, ज़्यादा टाइट वाइट कपड़े पहन लो तो, और ट्रैवल करना है इसकी वजह से हमने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। और ये रहा हमारा फाइनल लुक, सिर्फ 2 मिनट रखते हैं तैयार होने में। लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाया, बाल कंघी किए, तैयार हो गए फटाफट। और चलो हम तैयार हो गए, पतिदेव भी तैयार हो गए, चलें। चलिए इधर आ, इधर इधर है, एक थी चूरन है के खाई। हाँ। नहीं दोनों जने ले आधा आधा, चलो आधा तुम खाओ आधा बहनी के दो, आधा खा के आधा बहनी के दो। हाँ। काटो दांत से, नहीं कट रहा, काटो बहनी के दो। नहीं वो वाला तुम खाओ, ये वाला बहनी के दो, तुम्हारा जूठा खाएगी लड़का। ए रौनक को बोले आधा तुम ले आधा बहनी, मुंह में काट लिया अंदर, जो मुंह के अंदर चला गया उसको निकाल के बहनी दे रहा था, तो कि वो कम था। पता है मम्मी एक थी चूरन रहा, हम कहे दोनों जने ले लो, रौनक के दिए, हम कहे आधा काट के दे दो, तो मुंह में जो उन काटी नहीं होगा, कम काटे नहीं होगा, मुंह से निकाल के बहनी दे रहे हैं। हम कहे ये वाला दे, तब वो वाला दी, दिखाओ देखो भाई हमका जाएगा, इतना तेज बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम है तो बारिश होने के लिए। ए रौनक, ए असे मामी, मामी बुलाती मामी, असे असे बोल दा, असे बोलो असे, तू का नहीं ए भाई नहीं, चलियो राशि, चलियो ए मामी बुलाती ना, चलियो बोल दा, चलो 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 गाड़ी में बैठो। अस्से पापा और इस पानी ना बरसे, आधा दूर बारिश हो रहा आधा दूर ऐसे ही की बारी आवाज को पेट कटवा दे, मनी प्लांट वा अंदर लगा दियो, पैसा वो तीखा दे दे, पेड़ कटवा के बनवा बनवा दे दे, दारू होके खाली हो। और खींच के ले जब मिट्टिया धंसे ना पार हो निकल ले सर, हां ले तिखे तिखे ले हैं, अरे आई 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 पैर में गिरावती, काशी नानी हम हो जाएगा, प्रेमराज को छोड़ देंगे। चलिए दीदी ध्यान रखिएगा ना, खाइए ना ना का इनका सब करना परेशान करे, ये सब 8-9 दिन मेहमान है भैया, कम आ रहा था लंका, हुआ जाए हुआ, चलो चलो आ इधर को ना, रुको खोला दे जाई परा से गया ना, ज्यादा बहनी ज्यादा करो, बाय करो, बाय बाय करो सबसे, नहीं ओरे ओरे बाय, बंद कला बंद कला बंद कला, उतार देंगे
नहीं हमने जी बजा तो बंद कर चलो बाय भाई नहीं बाय कर ले तो देखत कहीं और कहाँ देखत लड़किया देखो रौनकवा नहीं जा रहा बाकी बहनी जा रही साथ है हमारे तो भाई हम राशि को भी लेके जा रहे हैं अपने साथ में कहा कि हमारे साथ कोई इंटरटेनर नहीं रहेगा मनोरंजन के लिए इसीलिए इनको लेके जा रहे हैं। ए राशि चली हो कि उतरी हो दाइव ना उतरी है दाइव कहा थी दाइव चलो मम्मी बाय करो चलो फिर रो ना बाय बाय हम जा रहे हैं बोलो है? बोलो हम जा रहे हैं लव यू मम्मा बोलो लव यू मम्मी आज बोल दी अरे चलो मामी जाता जाओ ना 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 जाओ 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 रो लगी रो रही चलो मामी बाल नहीं हूँ अरे नहीं रोनी रोने लगा ले यार अरे देखो कोई नहीं रोईस बहनी रोए लगी अब भाई ना आई थी जल्दी चिज्जी लेके तुन तुरे रही के चलो सॉरी आई डिडंट गेट दैट प्लीज से दैट अगेन चलिए चलिए पति देव रुक जाओ थोड़ा एसी चालू किया हूं ना आज से आप हमारे प्राणनाथ पति देव हैं क्या है प्राणनाथ पति देव क्या होता है हाय पेट्रोल टंकी फुल कर दीजिए तो देखो भाई हम लोग आ गए हैं पेट्रोल टंकी पे टंकी फुल करवाने भैया टंकी फुल कर रहे हैं इसकी डेंसिटी कितनी है 82 इतना ज्यादा हाँ इसका पेट्रोल बहुत अच्छा है गजब ऐसे मतलब होता है पेट्रोल की क्वालिटी कितनी हाँ ऐसे 75 रहता है इसका बहुत जगह पता है 80 हाँ वही हम एक बार मतलब कंफ्यूज हैं कि हमको दिख तो वैसे भी कम रहा है सही में एकदम है कम दिखने लग गया क्या ऑटो कट बस करिए देखो भाई 2040 तो बढ़ाते जा रहे हैं 2110 भैया ऑटो कट हो गया तो बस करिए 2120 रुपए का 2120 रुपए पेट्रोल हर जगह महंगा है ना नहीं पेट्रोल भी वहाँ पे लगभग 10 रुपए के आसपास होगा मेरे साथ वहाँ जाके वहाँ से खरीद ना लाओ गाड़ी में भर के गैलन वैलन बोल दो रास्ता के लिए लिए हैं बोल दो हो गया भैया चलो लेट्स गो देखो जी बाहर हो रही बारिश और हमने लिया है भुट्टा बारिश में भुट्टे की बात ही कुछ अलग होती है और पतिलियों को भूख लगी थी वो भी कुछ लेने गए हैं बाहर आ ही रहे होंगे आज का भुट्टा मस्त है आ गए ये आ गए तो गाइज हम लोग निकल गए हैं घर से और कहाँ जा रहे हैं हमने आपको बोला था कि आगे बताएंगे तो अभी देखो हम लोग जैसे घर में रहते हैं वैसे ही एकदम से निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं बताइए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं और हम लोग एकदम से मतलब क्या बोले बापी बता दो परमानेंट बोल सकते हैं हाँ हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं घर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं परमानेंटली है ना उसके बाद फिर उसके अलावा भी कहीं जाना है हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा अभी हम ऑन द वे हैं मतलब रास्ते में हैं तो सारी चीजें ऐसे नहीं बता सकते हैं जब हम पहुंच जाएंगे तब फिर बैठ के सारी बातें आपसे करेंगे सब कुछ आपको बताएंगे फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ना शाम के हो रहे 6:30 बारिश इतनी तेज हो रही है बाहर की पूरे इधर खेत वेत में पानी लबालब भर गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हमारा जहाँ मायका है मतलब हमारे रायबरेली से जहाँ हमारा घर है वहाँ से 600 किलोमीटर पड़ता है और हमारे ससुराल से जौनपुर से पड़ता है
800 किलोमीटर यहाँ से 200 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है। और जब हम अपने घर पे रहते ना, वहाँ से जब दिल्ली जाते थे ना, शाम को 4 बजे एक ट्रेन जाती थी, सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे पहुँचा देती थी। बट यहाँ से हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं तो कल पहुँचेंगे, और नॉन स्टॉप चलाएंगे तो कल पहुँच जाएंगे। कितने बजे? 6:30 बजे मॉर्निंग में। अगर नॉन स्टॉप नहीं चलाएंगे, रुक के रात में नाइट स्टे करते हुए जाएंगे, तब फिर कल शाम तक पहुँचेंगे ना। और इतना बारिश हुआ है, पूरा खेतवा उतवा भर गया है। तो गाइज एक बात बताते हैं, हमारे पीछे जो दुकान दिख रही है, दिखाते हैं, हटो जरा, ये वाली, ये जो है, ये जो नाम लिखा है इसके बगल वाली, यहाँ पे गए हम, हमने पूछा चना मिलेगा, उन्होंने बोला नहीं, और मैगी बोला, उन्होंने बोला नहीं, तो नमकीन था वहाँ पे, हमने उठा लिया दो, हमने कहा ये ले लेते हैं, उन्होंने हाथ से छीन लिया, बोला हमारे यहाँ होलसेल का काम होता है। मतलब बताना चाहिए ना कि आपके यहाँ नहीं होता, हम चारों चीज़ पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हो, फिर हाथ से छीन रहे हो, ये गलत तरीका है। फिलहाल हम इधर रुके हुए हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्या खाना है, इनको खा लें फिर निकलते हैं। भाई दुनिया में इतने तरीके के लोग रहते हैं कि आप जिंदगी में कभी भी पहचान नहीं सकते हो। और अगर आप बहुत अग्रेसिव पर्सन हैं, आपको बर्दाश्त करना नहीं आता कुछ, तो आप अगर बाहर निकलेंगे तो पक्का मार हो जाएगा। देखो भाई हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, बारिश में भीग के चमक रहे एकदम से, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, चमक रहे हम लोग को चाय पीना था, बट यहाँ है तो अभी इन्होंने खाना पूछा तो खाना भी खा लेंगे ना। हाँ तो खाना भी खा लेंगे, चाय भी पियेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्रेसवे से जाएंगे बगल में। हाँ बहुत तेज भयंकर बारिश हुई, उसके बाद ठंड लग रही, हमको लग रही तो नहीं हम बीमार आएंगे। तो देखो जी हमारा खाना आ गया है, चावल सब्जी दाल सब्जी सलाद और रोटी, और ये थाली पड़ी हमको 80 रुपए की। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि हमने एक ही थाली मंगाया, क्योंकि हम खाते खाते आ रहे हैं, हमको खाने का मन नहीं था, इन्हीं को खाना था, लेकिन ये बोले नहीं बिना खाए सोते नहीं है, तो इसलिए इन्होंने मंगवा लिया है। तो हम थोड़ा सा खाएंगे, बाकी ये खाएंगे नहीं। आप लोग बोलने लगोगे कि पैसा बचाने के लिए एक थाली मंगवाए। देखिए फाइनली हमारी चाय, जिसके लिए हम यहाँ रुके थे। तो देखो जी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं, और हमने खाना खाया, मजा आ गया खाना खा के। अब हम लोग मस्त सनसनाते हुए जाएंगे, है ना? बारिश हो रहा है लगातार, बार बार लगातार कल से। कंटिन्यू ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखो जी लखनऊ 182 किलोमीटर, हलियापुर सुल्तानपुर, हमको लखनऊ जाना है, लखनऊ जाएंगे तभी तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली।